आपको बताएं कि इस वक्त वजीरे सेहत अजरा पेचुहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये शुक्र है कि अभी तक इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस कम्युनिटी में नहीं फैला है। मजीद पाबंदियों के हवाले से बात करते हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए। संजय हमारे साथ हैं। संजय, मजीद क्या रिपोर्ट सामने आई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि कराची समेत सिंध में सख्तियां बरकरार रहेंगी? जी बिल्कुल, वजीर सेहत ने आज कहा है कि कराची समेत सिंध भर में जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि कराची में जो वायरस का फैला हुआ है उसकी शरह मुस्बत 11% से ज्यादा है, ऐसे में दुकानें नहीं खुल सकती। उन्होंने ताजरों पर भी शदीद तनकीद की है कि 6 बजे तक दुकानें तो खुली हुई हैं, हमने कहीं दुकानें बंद नहीं की। ताजर खुद दोपहर 12-1 बजे दुकानें खोलते हैं, फिर बातें करते हैं कि मुआशी खतर हो रहा है। ये बात गलत है, ताजरों के जेब भरे हुए हैं, ताजरों ने ऑनलाइन खरीदारी से भी पैसे कमाए हैं। गरीब सबका जो मजबूर है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए, लेकिन हमें मुआशियत और कोरोना को बैलेंस करके चलना है। अगर हमारी मदद आवाम नहीं करेगी, ताजर नहीं करेंगे, तो हमें मजीद सख्तियां करना पड़ेगी। आवाम की सेहत से नहीं खेल सकते। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। वैक्सीनेशन की कामयाबी तक कारोबारी पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की जा सकती, हुकूमत ने दो टोक बता दिया।